हेलो क्लास, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट पेपर में हम आज पढ़ेंगे रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। रिपोर्ट राइटिंग मतलब प्रतिवेदन लेखन। हम ये अच्छे से जानते हैं कि व्यावसायिक संप्रेषण या बिजनेस कम्युनिकेशन के जो वर्बल और नॉन वर्बल अलग अलग टेक्निक्स हैं, उनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है, वो होती है रिपोर्ट राइटिंग। देखिए, एक डॉक्टर भी किसी मरीज़ का इलाज करते वक्त कुछ न कुछ जितने विचार उसके मरीज़ के संबंध में होते हैं या वो जो जानकारी अपने मरीज़ से चाहता है, उसके लिए कुछ लिखित ब्यौरा देता है और उसके आधार पर उसे ट्रीट करता है, और लिखित में ही उसके इलाज को सत्यापित माना भी जाता है। उसी तरह से संप्रेक्षण के विभिन्न माध्यमों में से एक जो सबसे पुराना माध्यम है, वो लेखन यानी पत्र का माध्यम रहा है। तो पत्राचार के माध्यम से जहाँ व्यावसायिक संप्रेक्षण की शुरुआत हुई, या सबसे पुराना जो संप्रेक्षण माना जाता है वो लिखित संप्रेक्षण ही माना जाता है। उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, संप्रेक्षण के जो तरीके हैं, जो तकनीक है, उसमें इजाफा होता गया। आज फैक्स है, मेल्स है, टेलीफोन कॉल्स है, इससे हम आसानी से किसी भी व्यक्ति से कम्युनिकेट कर सकते हैं। परंतु अधिकतर जो कम्युनिकेशन ये होती हैं वो मौखिक होती हैं, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग अपने आप में व्यावसायिक फर्म के लिए एक प्रबंधकीय प्रक्रिया का अंग माना जाता है, जो मौखिक होने के साथ साथ लिखित भी होती है। व्यावसायिक फर्म में जो काम किसी भी प्रबंधक के अंडर किया जाता है, उस कार्य के संबंध में प्रबंधक द्वारा रिपोर्ट बनाई जाती होगी कि काम आज कितना हुआ, कर्मचारी वर्ग कितने काम पर आए, कर्मचारी वर्ग से किन किन समस्याओं को का सामना उन्होंने किया है, या आप कह सकते हैं कि कर्मचारी को कौन कौन सी कठिनाइयां हुई हैं, तो उसका या काम की जो प्रोग्रेस होती है उसके संबंध में जितने भी पूरी दिनचर्या की जो जानकारियाँ होती है, उसको एक लिखित प्रतिवेदन में लिखना ज़रूर होता है। जब वो समस्याएं लिखी जाती हैं तो उन समस्याओं के कुछ सुझाव होंगे, कुछ कार्य का निष्कर्ष निकलेगा। तो एक प्रतिवेदन या रिपोर्ट राइटिंग प्रबंधकीय प्रक्रिया का एक ऐसा लेखा है जो ये व्यक्त करता है कि पूछताछ, ऑब्जर्वेशन से क्या परिणाम रहे हैं, एक व्यक्ति द्वारा किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कुछ रिसर्च हो रहा है, काम हो रहा है, कोई इंक्वायरी हो रही है, तो उसके क्या कंक्लूजन निकले हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम एक रिपोर्ट में या लेखा इसका रखते हैं, उसे ही हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। अब व्यावसायिक प्रक्रिया में या किसी भी व्यावसायिक उपक्रम में ऐसे अनेक अवसर आते हैं। व्हाट इज अ रिपोर्ट राइटिंग, अब थोड़ा सा हम इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। अ मीन्स टू कन्वे सम इंफॉर्मेशन टू अदर्स, दूसरे तक सूचना पहुंचाने का एक तरीका। एन ऑर्गेनाइज फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये एक ऑर्गेनाइज संगठित और एक उद्देश्यात्मक प्रस्तुतिकरण होता है किसी भी जानकारी को दूसरे तक पहुंचाने का। ऑर्गेनाइज सिंस इट फ्लोज अ सिस्टमैटिक पैटर्न, देखिए ऑर्गेनाइज का जहां तक सवाल है, ऑर्गेनाइज का संबंध है सिस्टमैटिक यानी कि एक निरंतर, एक व्यवस्थित पैटर्न को फॉलो करने वाली प्रक्रिया है, जिसमें यदि किसी भी व्यावसायिक फर्म में उच्च अधिकारी अपने निम्न अधिकारियों को कोई कार्य सौंपता है, तो उसके कार्य के जो परिणाम या जो निष्कर्ष निकलते हैं, उसका लिखित में ब्यौरा उसे अपने उच्च अधिकारी को देना होता है। तो ये प्रक्रिया एक निरंतर और व्यवस्थित तरीके से चलती है, इसलिए इसे ऑर्गेनाइज भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव मीन्स इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पर्सनल फीलिंग्स, संस्था में जो कार्य किए जाते हैं वो संस्था के व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो रिपोर्ट राइटिंग या जो काम के संबंध में जितनी सूचनाएं वास्तविक होती हैं, उसी वास्तविक सूचनाओं को रिपोर्ट में लिखा जाता है और बताया जाता है, और जो रिपोर्ट लिखता है उस व्यक्ति के ऊपर अपने एम्प्लॉयज़ का किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, पूर्ण पक्षपात रहित ये रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए। अब हम ये पढ़ लेते हैं कि एक रिपोर्ट राइटिंग की क्या पहचान या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। रिपोर्ट राइटिंग या रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन नॉट एन आर्ग्यूमेंट,
जो सूचना आपको रिपोर्ट में लिखनी होती है वो किसी तरह का कोई विवाद पैदा करने वाला नहीं होता है, ये एक निष्कर्ष है, परिणाम है, ये एक सामान्य सूचना ही मानी जाती है। इज मेंट टू बी रीड क्विकली बाय द रीडर, इस तरह से इसको संक्षिप्त और स्पष्ट सरल भाषा में शुद्धता के साथ लिखा जाता है जो पढ़ने में आसान होनी चाहिए। यूजेज नंबर्ड हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, और रिपोर्ट जो बनाई जाती है उसको लिखने का जो तरीका होता है उसमें हेडिंग होनी ज़रूरी है और उसकी सब हेडिंग भी होनी ज़रूरी होती है। यूजेज शॉर्ट कंसाइज पैराग्राफ एंड डॉट पॉइंट वेयर एप्लीकेबल। हम जब रेगुलर एक लीव एप्लीकेशन भी लिखते हैं तो उसमें भी कुछ जनरल रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग चूंकि एक फर्म से रिलेटेड काम है तो हर ऑफिशियल काम का भी एक अपना एजेंडा होता है, एक अपना स्टैंडर्ड होता है। तो उस स्टैंडर्ड या उस मानक के जो तय मापदंड होते हैं उसके आधार पर यहाँ पर भी कहाँ पैरा चेंज करना है, कहाँ पर डॉट आएगा, इन सब छोटी मोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। अगर ग्राफिक्स हैं, जैसे अपन प्रेजेंटेशन भी देते हैं तो प्रेजेंटेशन में भी अगर अपन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से कर रहे हैं, नेट यूज़ कर रहे हैं, तो अपन उस समय भी ग्राफ्स वगैरह यूज़ करते हैं अपने उस प्रेजेंटेशन को बेस्ट बनाने के लिए। तो उसी तरह से रिपोर्ट में भी अगर कार्य के संबंध में किसी तरह की कुछ ग्राफिक्स या ग्राफ्स या टेबल्स की नीड है तो उसको आप दर्शाना ज़रूरी है। मे नीड एन एब्स्ट्रैक्ट, डज नॉट ऑलवेज नीड रेफरेंसेज एंड बीबियोग्राफी। और जो जानकारी हमने जहाँ से जुटाई है उससे रिलेटेड जितना भी हमारे पास सारांश है, एक समरी जो अपन काम के संबंध में हमने सोच रखी है, उसको उस पूरे कार्य को एक समरी के आधार पर एक सारांश के रूप में उस रिपोर्ट में लिखना होता है। पूरी ज़्यादा बड़ी डिटेल में अगर अपन लिखेंगे तो उसको पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। और जहाँ हमने पढ़ा है कि इसको रीड करना एकदम क्विकली इस तरह से लिखी जानी चाहिए कि बिल्कुल क्विकली इसको अच्छे से समझा जा सके, इसका पढ़ने वाले पर भी अच्छा प्रभाव पड़े, तो ये क्विक होता है तो इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं जानी चाहिए, लेकिन समराइज जो कि ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी इसमें होनी ज़रूरी होती हैं। एक अच्छी रिपोर्ट लेखन के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या इसके मुख्य आयाम होते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहला, रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए। अ गुड रिपोर्ट हैज़ अ क्लैरिटी ऑफ थॉट, जो विचार आप अपने उच्च अधिकारी तक या व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं वो बिल्कुल क्लियर स्पष्ट होने चाहिए। अ गुड रिपोर्ट इज कंप्लीट एंड सेल्फ एक्सप्लोरेटरी, अपने आप में वो पूरी स्पष्ट होनी और निश्चित होनी ज़रूरी है। अ गुड रिपोर्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव बट कॉम्पैक्ट। जहाँ हम बात करते हैं कि एक अच्छी रिपोर्ट शुद्ध और कंसाइज यानी संक्षिप्त होनी चाहिए, तो उस संक्षिप्तता में हम ज़रूरी बातें छोड़ या उसको त्याग नहीं सकते हैं, वो अपने आप में एक रिपोर्ट होती है, संक्षिप्त होनी चाहिए, लेकिन हाँ वो पूर्ण ना हो ये या ऐसा नहीं होना चाहिए। अ गुड रिपोर्ट हैज़ अ प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर, अ गुड रिपोर्ट इज़ प्रेजेंटेड इन अ लिक्विड स्टाइल। जो स्टाइल होता है, जो प्रेजेंट करने की स्टाइल होती है, वो इस तरह की होनी चाहिए कि आपकी जो देखने वाले हैं उसको अच्छे से समझ सकें। स्टेप्स फॉर रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट लेखन कैसे किया जाए, हाउ टू राइट अ रिपोर्ट। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड अगर कोई रिपोर्ट तैयार करनी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हमको कैपेबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए और सोच समझकर वो रिपोर्ट बनानी चाहिए। ज़रा सी भी अगर अपन जल्दबाजी करते हैं तो उससे हम या तो हम कुछ आंकड़े छोड़ देंगे या हमारी जो रिपोर्ट होगी वो एक क्लियर या स्पष्ट या हम कह सकते हैं कि ओवरऑल फेल हो जाएगी, अच्छी नहीं बन के तैयार होगी, और शायद उसका इफेक्ट भी इम्पैक्ट भी हमारे जो हायर ऑफिसर्स हैं उन तक अच्छी नहीं जाएगी। इसलिए हम रिपोर्ट राइटिंग को स्टार्ट करने से पहले कौन कौन से स्टेप से होते हुए गुजरेंगे या कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे, उसके स्टेप्स हैं। सबसे पहला है कि इन्वेस्टिगेटिंग द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब हमको पता है कि हम किसी परिस्थिति के संबंध में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद में उसका कंक्लूजन निकालने वाले हैं, तो सबसे पहले हम जिस भी कार्य से जुड़े हैं उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी हमको अवश्य होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम जहाँ जाएंगे हम उस जगह के बारे में पहले से हमें जानकारी ना हो, या हम जो काम करने वाले हैं उसका हमको बेसिक नॉलेज ना हो, इसलिए पूरी तैयारी के साथ हम काम के लिए जाएंगे। इट इज़ डन राइट इन द बिगनिंग। मेजर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर कंपनी फाइल्स, पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यूज, लेटर्स, क्वेश्चनरीज, लाइब्रेरी रिसर्च,
हम रिपोर्ट राइटिंग लिखने से पहले हमारा जो खुद का होमवर्क है वो ज़रूर हमको करना चाहिए। हमारे पास कंपनी की फाइल्स, उसके जो पर्सनल ऑब्जर्वेशंस है, हमारे जो इंटरव्यूज़ हमको लेने होंगे, लोगों से जानकारी प्राप्त करनी, अगर हम कोई पर्टिकुलर सिचुएशन का कंक्लूज़न निकाल रहे हैं तो लोगों से उसके लिए ओपिनियन लेंगे। हम बहुत बार ऐसा भी करेंगे कि हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन भी करेंगे, सिर्फ अवलोकन से भी हम जानकारी इकट्ठा करेंगे और उसको लिखते रहेंगे। तो ऑब्जर्वेशन से, इंटरव्यू से हम सारी इन्वेस्टिगेट करेंगे, बहुत पूछताछ करेंगे और जानकारी इकट्ठा करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, टेकिंग नोट्स ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन फेज। द राइटर कीप्स ऑन टेकिंग नोट्स ऑन ऑफ एनी थिंग दैट अपीयर्स टू बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। और हम जो जो ऑब्जर्व करते जाएंगे, हम उससे उसमें जितना भी हमारे काम का मैटर लगेगा हम उसको नोट करते जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि जितना भी हमने डेटा कलेक्शन किया है उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जो कलेक्टेड डेटा है उसको एनालाइज किया जाए। देखिए, अगर हम बहुत सारी आप एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम वेजिटेबल मार्केट से ख़रीद के लेकर आए, ठीक है। अब वेजिटेबल जब हम लेकर आएंगे तो खाना बनाते वक्त हम सबसे पहले उस वेजिटेबल को धोएंगे और उसमें से जो ख़राब है या जो यूज़ नहीं आने वाली है उन उसको वेजिटेबल को साफ़ सुथरी या काम के आने वाली वेजिटेबल से अलग करते हैं। तो उसी तरह से जब कोई भी ऑब्जर्वर या रिपोर्ट राइटिंग करने वाला व्यक्ति जब रिपोर्ट राइटिंग की शुरुआत करेगा तो उसके पास बहुत सारा ऐसा अननेसेसरी डेटा भी कलेक्ट हो जाएगा जिसकी उसे उस समय नीड नहीं रहेगी। तो उसका काम होता है पहले एनालाइज करना कि उसके काम का क्या है और कौन सी चीज़ उसके काम की नहीं है, उसका विश्लेषण किया जाना, उसको पार्ट में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी होगा कि इनमें से कितनी चीज़ें मेरे काम की है, और जो काम का होगा वो नोट्स वो अपने पास रख लेगा। मेकिंग एन आउटलाइन, अब जो उसके पास काम का डेटा बच गया है अब उससे वो एक आउटलाइन बनाएगा कि हाँ, मैंने जो अभी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है उससे ये साबित होता है या उससे मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि कर्मचारियों से संबंधित ये समस्या मैंने आम तरीके से पाई है। जैसे कि किसी भी फर्म में चले जाइए आप, और कंपनी अपने एक एम्प्लॉय को ये कहती है कि पिछले एक सप्ताह से हमारे कुछ चार पांच जो कर्मचारी हैं वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे संस्था में पानी जो है उसकी जो सप्लाई है या पानी की जो क्वालिटी है वो बहुत डाउन है, इसलिए हमारी तबीयत ठीक नहीं है। अब ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से आप जानकारी कहाँ से लेंगे? आप खुद वो पानी टेस्ट करके अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट तो करेंगे नहीं। क्या होगा कि वहाँ जाना होगा जहाँ से वो पानी इस्तेमाल करते हैं, लोगों का ओपिनियन लेना होगा कि क्या वास्तव में यही समस्या कहीं वाटर कूलिंग प्लांट से तो नहीं है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे कर्मचारी एक साथ एब्सेंट हो गए। तो ऐसी ही अगर कोई प्रॉब्लम है तो बहुत सारे लोगों का हमने ऐसे डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद में जब हमने बहुत सारे लोगों का ओपिनियन ले लिया और सबने यही कहा कि हाँ, यहाँ का पानी बहुत लंबे समय से ख़राब है, इसकी कई शिकायतें करने के बाद भी अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है, इसकी वजह से डिहाइड्रेशन या और भी कोई दूसरी दिक्कतें आई हैं, और आए दिन कर्मचारी हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम उनके सामने आती है तो ये सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, एनालाइज कर लिया और इस निष्कर्ष पर निकले कि हाँ, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ का जो वाटर कूलर है उसमें कोई दिक्कत है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो आउटलाइन उसकी तय कर लेंगे। फिर राइटिंग द रिपोर्ट, अब जो जो उन्होंने प्रॉब्लम सुनी, लोगों के ओपिनियंस लिए और उसके सुझाव लिए और समस्या का समाधान क्या कर सकते हैं उसके बारे में एक रिपोर्ट अपन राइटिंग लिखेंगे। द लास्ट स्टेज ऑफ द दैट राइटिंग द रिपोर्ट, इट विल नीड कंस्टेंट शटलिंग बिटवीन द आउटलाइन एंड द नोट्स। बिल्कुल, वो जो आउटलाइन और जो नोट्स होते हैं उसके बीच का एक इस तरह का संक्षिप्त, सरल, शुद्ध, क्लियर एक ऐसा सारांश होना जरूरी है रिपोर्ट राइटिंग में, ना ज़्यादा लंबा और ना ज़्यादा छोटा हो। अब आप देखिए कि एक नॉर्मल जो रिपोर्ट होती है उसका फॉर्मेट कैसा होता है। जैसे एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है कि हम लेफ्ट में क्या लिखते हैं, राइट में क्या लिखते हैं, मैटर कहाँ लिखते हैं, सेंटर में या लास्ट में डेट कहाँ आती है, उसी तरह से जो रिपोर्ट राइटिंग होता है उसका भी एक फॉर्मेट होता है। अगर शॉर्ट रिपोर्ट है तो टाइटल लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, डिस्कशन जो होगा उसमें लिखेंगे, समरी और कंक्लूजन लिखेंगे और रिकमेंडेशन के क्या क्या हम उसमें सुझाव दे सकते हैं। उसके बाद में अगर आपकी कोई रिपोर्ट थोड़ी बड़ी है या किसी बड़ी प्रॉब्लम या अधिक बड़े किसी कार्य के लिए बनाई जा रही है तो उसमें थोड़ा टाइटल वो तो लिखना ही है, कंटेंट आएगा, इंट्रोडक्शन थोड़ा लिखना पड़ेगा, समरी और उसका कंक्लूजन, रिकमेंडेशन लिखनी होगी, डिस्कशन अगर किसी के साथ हुआ है तो वो भी इसमें आपको लिखना होता है।